और बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की। नैब ने शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को तलब कर लिया है। तलबी के मौके पर विरासत में मिलने वाली जायदाद समेत मुतादिद दीगर तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत भी जारी कर दी। नैब ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 17 अप्रैल को तलब कर रखा है। इस सिलसिले में उन्हें मुख्तलिफ रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। नैब के नोटिस के मुताबिक शहबाज शरीफ को विरासत में मिलने वाली जायदाद, बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और 2005 से 2007 के दौरान बाकले बैंक से लिए गए कर्ज की तफसीलात तलब की गई है। नोटिस के मुताबिक शहबाज शरीफ से उनकी अहलिया नुसरत शहबाज को कसूर में तोहफे में दिए गए घर की तफसीलात, फैमिली को दिए गए और मिलने वाले तमाम तहाइफ की तफसीलात भी तलब की गई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ से पूछा गया है कि निसार अहमद गुल और अली अहमद से क्या ताल्लुक है। शहबाज शरीफ को हिदायत की गई है कि 2008 से 2019 के दौरान ज़रई आमदनी की तफसीलात फराहम की जाएं, FDR के रिकॉर्ड के मुताबिक अपने तमाम कारोबार की तफसीलात फराहम की जाएं, मॉडल टाउन 96H कितने साल तक वजीर आला कैंप हाउस रहा, अहले खाना के अकाउंट्स में होने वाली भारी ट्रांजेक्शन के ज़राए बताएं। नैब के मुताबिक सन 1998 से 2018 के दौरान फैमिली के असासे तेजी से कैसे बढ़े और पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से इन असासों में इजाफे की वजाहत भी दें।